और आज मैं आपको देने जा रही हूँ रिव्यू हमारी रीसेंट परचेज फ्रॉम अमेज़ॉन, जो कि है गोदरेज का ईओन मैग्नस डिशवॉशर। गाइस, ये डिशवॉशर हमने अमेज़ॉन से ख़रीदा है ऑनलाइन और ये हमें पड़ा है 21,790 का। आप चाहे तो इसे ईएमआई भी ख़रीद सकते हैं। इस डिशवॉशर पे गाइस हमें 2 साल की कंप्रिहेंसिव वारंटी मिली है। इंस्टॉलेशन और डेमो हमें इसमें फ्री मिला है, जो कि कंपनी की तरफ से था। और इसका मटेरियल की बात करें तो ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है। बहुत ही कम नॉइज़ लेवल ना के बराबर है। आराम से आप इस मशीन को सेट करके सो सकते हैं। कैपेसिटी इसकी 8 प्लेट सेटिंग है, यानी कि आप 3 से 4 लोगों के तीनों कोर्स के बर्तन इसमें रख सकते हैं, जो कि एक ही सेटिंग में आपके धुल जाएंगे। तो 3 से 4 लोगों की फैमिली के लिए 8 प्लेट सेटिंग वाला जो ये डिश वॉशर है, ये सफिशेंट है। कलर्स में गाइस हमें 2 ऑप्शन मिले थे, एक तो सिल्की ब्लैक था, एक सिल्की सिल्वर। हमने लिया है सिल्की सिल्वर। सिल्की ब्लैक वाला पूरा का पूरा आपको ब्लैक कलर में मिलेगा। हाँ, ठीक है। इसका वेट है 26 किलो और इसका साइज़ आप देख सकते हैं गाइस, बहुत ही कॉम्पैक्ट है। मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ। बहुत ही वाटर कंजम्पशन में बहुत लो है ये। 8 लीटर वाटर कंज्यूम करता है, जो कि नॉर्मली अगर आप धुलवाते हैं किसी मेट से या खुद बर्तन धोते हैं तो इससे ज़्यादा पानी खर्च हो जाता है गाइस। तो लो वाटर कंजम्पशन है इसमें। आप देख सकते हैं 2 बास्केट हैं। ये अपर बास्केट में मैंने छोटे हल्के वाले बर्तन रखे हैं और जो नीचे वाली बास्केट है गाइस, उसमें मैंने भारी वाले बर्तन रखे हैं। जो थोड़े ज़्यादा गंदे बर्तन थे वो मैंने नीचे वाले में रखे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप इसमें जो बर्तन रखेंगे उसमें सारी गंदगी हटाने के बाद आप इसके अंदर रखेंगे। अगर आप गंदगी के साथ रखते हैं तो इसका फ़िल्टर गाइस ख़राब हो सकता है और बर्तन धुलने की क्वालिटी आपकी ख़राब हो जाएगी। ये देखिए, नीचे मैंने थोड़े बड़े वाले बर्तन रखे हैं, ऊपर मैंने छोटे बर्तन रखे थे। गाइस, इसके अंदर आपको बिल्ट इन हीटर मिलेगा और मतलब आपको जो बर्तन हैं वो एकदम स्टीम करके ड्राई होके मिलेंगे। आपको उसको अलग से साफ़ करने की और सुखाने की या धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत साइलेंट वॉश है, बिना आवाज़ के बर्तन धुलते हैं। डिजिटल डिस्प्ले है इसका, आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है इसका। इको फ्रेंडली मशीन है गाइस ये। और पहले इसमें क्लीन होते हैं बर्तन, स्क्रब होते हैं और फिर ड्राई होते हैं। इसके अंदर आपको एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट मिलेगा, एंटी बैक्टीरियल टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो कि आपको प्रोटेक्शन देती है बैक्टीरिया एंड जर्म से। और ये गाइस देखिए, ये है इसका डिशवॉशर सॉल्ट और एक डिटर्जेंट मैंने लिया है। ये आपको गाइस इसके साथ में भी मिलेगा, तो आपको थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट का पड़ेगा अमेज़ॉन में अगर साथ में लेते हैं। मैंने अलग से ये ख़रीदा था, तो मैंने मतलब एक साथ नहीं लिया, अलग अलग ये लिया है। तो इसमें आप गाइस डिटर्जेंट जो है वो नॉर्मल मत यूज़ कीजिएगा, वरना आपकी मशीन बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। और इसमें आपको इसी का डिटर्जेंट, अलग अलग ब्रांड के हैं, मैंने फॉर्च्यून ब्रांड का लिया है। और आपको 3 फॉर्म में मिलता है ये। टैबलेट फॉर्म में भी आता है और ऐसे डिटर्जेंट फॉर्म में भी आता है, पाउडर फॉर्म में और जेल फॉर्म में भी आता है। तो आपको जो भी सही लगेगा वो आप ले सकते हैं। मैंने तो पाउडर फॉर्म का लिया है क्योंकि ये थोड़ा सस्ता भी पड़ा मुझे और तो ये है अच्छा भी है गाइस, जल्दी अच्छा सा डिसॉल्व हो जाता है। लुक देखिए गाइस इस मशीन का, इतना सुंदर लुक है। बहुत ही कम स्पेस में ये मशीन मेरे घर पे एडजस्ट हो गई और काफ़ी मतलब जैसे कि मेड कई बार आती नहीं थी घर में तो बहुत काम रह जाता था, तो उस चीज़ से मुझे छुटकारा मिल गया है। क्योंकि बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं थे, मैं वर्किंग हूँ तो मेरे को टाइम नहीं मिल पाता इतना, तो मेरे लिए और भी अच्छा था। गाइस, ये इसका पैनल है, इसमें इसके फंक्शन दिए हुए हैं। पावर ऑन ऑफ बटन है और ये आप देख सकते हैं, ये इसका साइड लुक है इस मशीन का। तो और साथ में मैं आपको बता दूँ, इस मशीन में आपको 2 साल की वारंटी भी मिलती है। तो इन केस अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप इसे इसके फ्री में सर्विसिंग करा सकते हैं 2 साल की वारंटी के अंदर। कुछ कंडीशन है वो आपको पढ़नी पड़ेगी गाइस। और ये फंक्शन जैसे कि मैं आपको बता रही थी गाइस कि इसमें आपको 7 फंक्शंस मिल रहे हैं और अपने बर्तनों के हिसाब से आप उनमें से कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जिस तरीके की बर्तन आप इसमें डाल रहे हैं उस तरीके का आपको फंक्शन लगाना पड़ेगा। एक बार मैं और आपको खोल के दिखा देती हूँ गाइस। बास्केट, अपर बास्केट और लोअर बास्केट। लोअर बास्केट में आप बड़े बर्तन रखेंगे, जो थोड़े ज़्यादा गंदे बर्तन हैं वो नीचे वाली बास्केट में,
और जो थोड़े कम गंदे बर्तन हैं और छोटे बर्तन हैं वो आप ऊपर वाली बास्केट में रखेंगे। बहुत ही बढ़िया मशीन है गाइस, मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ। बहुत बढ़िया आपको ये मशीन मिल रही है और 21,000 रुपये में वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके घर में आपकी मेड काफ़ी छुट्टी मारती है या फिर आपके घर में बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं, आपको मतलब एक ऐसी मशीन चाहिए जैसे कि हम वॉशिंग मशीन लेते हैं गाइस, ये भी बहुत बढ़िया मशीन है। अगर आपका 3 से 4 लोगों का परिवार है तो आप ये 8 प्लेस सेटिंग वाली डिश वॉशर ले सकते हैं। बर्तन एकदम साफ धुल के आएंगे गाइस, आप देख सकते हैं कैसे चमक रहे हैं बर्तन। और हर तरीके के बर्तन मैंने इसमें रखे हुए हैं, थोड़ा सा मैसी आपको लग रहा होगा, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि घर में बहुत सारा काम पड़ा हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इन बर्तनों को नहीं लगा पाई, तो मैंने अपनी समझ से जैसे जल्दबाजी में हुआ वैसे मैंने ये देखिए स्पैटूला स्पून्स कटलरी सब कुछ ऊपर वाले में आ गया आराम से। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बर्तन मैंने जो लगाए हुए हैं इसके ऊपर, इस वाला जो लोअर वाला आपका बास्केट है इसके ऊपर एक फ़ैन की आप विंग देख रहे हैं, इस विंग से कोई भी बर्तन लगना नहीं चाहिए, मतलब आपको डिस्टेंस ध्यान में रखना है। ये देखिए ये डिस्टेंस है, बर्तन कोई भी इस विंग में ना लगे, तो आपको इसको ठीक से करके फिर आपको ये मशीन बंद करनी है। काफ़ी स्पेस होता है नीचे वाले बर्तनों में और विंग में, तो आपको उस हिसाब से बर्तन सेट करने हैं। डेलिकेट बर्तन भी आप रख सकते हैं, जैसे कि मैंने इसमें रखा हुआ है ये मग, और जैसे फाइन डाइनिंग वाले बर्तन हैं वो भी आप रख सकते हैं, ये बड़े बर्तन भी आप रख सकते हैं जैसे कि मैंने ये रखा है। कितनी भी इसमें गंदगी हो, वैसे तो आपको निकालना है गंदगी, लेकिन जैसे नीचे जो जम जाता है ना वो ये मशीन बहुत अच्छे से साफ़ कर देती है। आपको बर्तनों को उल्टा करके रखना है, ये देखिए उल्टा करके मैंने रखा है। और ये डिस्पेंसर है जिसमें डिटर्जेंट आपका जाएगा और सॉल्ट जो बर्तनों को धोएगा, ये ऑटोमेटिकली मशीन आप इसमें डालेंगे और ऑटोमेटिकली मशीन उसको करेक्ट टाइम पे यूज़ कर लेती है गाइज। मैं आपको और ये इसका पैनल है गाइज, लेफ्ट हैंड साइड में आपको फंक्शन दिख रहे हैं, इसमें इंटेंसिव 70 डिग्री फंक्शन जो है ये जो ज़्यादा गंदे बर्तन होते हैं उनके लिए है। पहले तो मैं ये पावर ऑन ऑफ का बटन आपको दिखा दूँ, ये प्रोग्राम का बटन है प्रोग्राम्स के लिए। 70 डिग्री आपका जो है गंदे बर्तनों के लिए, जो ज़्यादा गंदे होते हैं, ज़िद्दी दाग जिसमें होते हैं। रेगुलर वाला जो फंक्शन है वो आप नॉर्मली सॉइल बर्तनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इको वॉश है, अगर आपको पानी और एनर्जी की बचत करनी है तो आप इस प्रोग्राम को सेट कर सकते हैं। डेलिकेट वाला जो है ये आपके जो फाइन डाइनिंग के बर्तन होते हैं, जो फ्रेजाइल होते हैं उनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। लाइट 90 जो आपका फंक्शन है वो नॉर्मल सॉइल बर्तनों के लिए हैं, अगर आपको जल्दी धोने हैं तो। इसके बाद क्विक 35 है, क्विक 35 और लाइट 90 में डिफरेंस ये है कि क्विक 35 में भी आपके बर्तन बहुत जल्दी धुलेंगे, लेकिन अगर आपको ड्राई नहीं करना है उनको तो बिना ड्राई करे वाले बर्तन अगर आपको फटाफट करने हैं तो क्विक 35 आप यूज़ करें। सेल्फ क्लीन जो है वो इसमें डिश वॉशर अपने आप को खुद क्लीन करता है, तो ये डिश वॉशर के लिए है फंक्शन। इस वाले साइड में आप देखेंगे डिले स्टार्ट, अगर आप घर पर नहीं भी हैं और आपको थोड़ा बाद में बर्तन धोने हैं तो आप वॉशिंग को डिले कर सकते हैं इस ऑप्शन के साथ, डिले क्लीन के ऑप्शन के साथ। और इस साइड आपको दिख रहा होगा रिंस एड और सॉल्ट का बटन, ये एक्चुअल में वार्निंग इंडिकेटर है, अगर आपके डिशवॉशर में रिंस एड कम पड़ जाता है तो रिफ़िल करने के लिए रिंस एड का आपको वार्निंग इंडिकेट करेगा, और अगर सॉल्ट कम पड़ जाता है तो सॉल्ट इंडिकेट करेगा। सॉल्ट ये वाला सॉल्ट देखिए फॉर्चून का मैंने लिया है, तो अगर कोई भी इंडिकेटर दबता है, अगर रिंस एड का दबता है तो आप उसमें रिंस एड डालेंगे, सॉल्ट का दबता है तो आपको सॉल्ट यानी कि उसमें रिफ़िल करने की ज़रूरत है। गाइस ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये सॉल्ट मैंने अलग से मंगवाया है, मेरे को मशीन के साथ नहीं मिला, मतलब मैंने जो मशीन ली है अमेज़ॉन से उसके साथ में सॉल्ट नहीं था, तो मैंने ये अलग से ले लिया है फॉर्चून का। और ये आपको लेना बहुत ज़रूरी है, अगर आप सोचें कि नॉर्मल से आपका चल जाएगा तो नहीं गाइस वो नहीं होगा, ये आपका फॉर्चून रिंस एड है जो मैं आपको बता रही थी, दो वार्निंग इंडिकेटर, रिंस एड ये है, रिंस एड अगर कम पड़ेगा तो ये आपको फिल करना है, सॉल्ट कम पड़ेगा तो सॉल्ट फिल करना है। तो गाइस ये आपको ज़रूर यूज़ करना है, ये ध्यान रखिएगा। और ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको बिल्कुल पढ़नी है मशीन यूज़ करने से पहले, है ना, क्योंकि इतनी अच्छी मशीन अगर आप ले रहे हैं तो कुछ उसमें
दिक्कत ना हो कभी भी ज़्यादा टाइम तक चले, तो आप इन सेफ़्टी इंस्ट्रक्शन को गाइस ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ज़रूरी है इन सेफ़्टी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना। कोई भी मशीन लेने से पहले उसका मैनुअल और सेफ़्टी इंस्ट्रक्शन आपको पहले पढ़ लेना चाहिए। और गाइस ये इसको A+ मिला है, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली बहुत ही मतलब बहुत इको फ्रेंडली मशीन है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इस मशीन की। तो गाइस हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है इस मशीन के साथ वो बहुत अच्छा रहा है, आप भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।